अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये जो है, जब हम इस्लामाबाद गए थे तो फर्स्ट डे जो हमने शॉपिंग की थी कमर्शियल मार्केट से, वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। और जो सेकंड डे की थी, कुछ इतना ख़ास था नहीं, ज्वेलरी वगैरह और इस तरह की कुछ और भी चीज़ें थी, वो फिर मैंने नहीं उसकी वीडियो बनाई, वो मैं बाद में कभी दिखा दूँगी। ये मैंने स्टाइलो से अपने लिए जूता लिया था। ये वाला जूता मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो ये बाकी सब में से भी अच्छा लग रहा था और पाँव में भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे ख्याल में वो जूता लेना चाहिए, एक तो वो जो आपको पाँव में लगे नहीं, कंफर्टेबल हो, और दूसरा वो जो आपके पाँव में प्यारा लगे। इसके बाद मामा को कोई कंफर्टेबल सा जूता चाहिए था, ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा भी ना हो, थोड़ा फैंसी भी हो और कंफर्टेबल भी हो, तो उन्होंने ये वाला चूज़ किया था। और मैं देख रही थी कि यहाँ पर इसके ऊपर कहीं पे प्राइस मेंशन होगी या बॉक्स पे या जूते पे, लेकिन मुझे कहीं पर नज़र नहीं आई, तो अब तो बिल्कुल याद भी नहीं है। तो या फिर आप लोग वेबसाइट से देख लें या फिर आप लोग उनका आउटलेट विज़िट कर लें। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ये वाला जूता लिया था अपने लिए। ये थोड़ा अलग था सब जूतों में से, थोड़ा डिसेंट भी था और कलर भी मुझे बहुत प्यारा लगा इसका। और ये जो है, नेक्स्ट डे मामा गई थी ग्रोसरी करने और जो चीज़ें सिर्फ ज़रूरी थी ना, वो फिर हमने इस दिन ले ली थी। उसमें एक शैम्पू और दो टूथब्रशेस थे। टूथब्रशेस हम साथ नहीं ले गए थे, पापा लेके गए थे सिर्फ अपना, तो वो लेने थे हमने। और ये जो है, मामा ने वेलवेट की शर्ट ली अपने लिए, अनस्टिच्ड, इसको कहते हैं शायद, हाँ इसको माइक्रो वेलवेट कहते हैं। और ये कलर भी बहुत प्यारा था और फील भी इसकी बहुत प्यारी थी और मटेरियल भी बहुत प्यारा था और क्वालिटी भी बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी थी इसकी। उसके बाद ये शर्ट्स हैं, ये भाई के लिए ली थी। उसने बोला था कि सिंपल मतलब प्लेन लेनी है। एक रेड कलर में ली थी और एक ब्राउन कलर में ली थी और इसके साथ एक ब्लू जीन्स भी ली थी। उसके बाद गुल अहमद से ना ये पिलो कवर्स लिए थे, थ्री डिफरेंट कलर्स और स्टाइल्स हैं और तीनों ही बहुत प्यारे लगे मुझे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें अभी से ही। उसके बाद एक ये क्विल्ट कवर लिया था, मतलब कि कंफर्टर का कवर, और उसके साथ एक पिलो कवर भी आया था। और इस ये इतना मुझे प्यारा लगा, इसका जो कलर था और इसका मटेरियल, कलर भी बहुत ही प्यारा था, पिंक क्रीम सा। यहाँ पर इतना क्लियरली इसका कलर वगैरह कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन जब हम यूज़ करेंगे इसको तो फिर मैं ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। इसके बाद ज़हरा के लिए लिया था एक कुशन कवर, और क्योंकि वो उसकी ना अब आदत है कि वो एक अपना कुशन जो है ना वो साथ साथ अपने रखती है, तो उसके लिए फिर एक कुशन कवर भी लिया, ये भी बहुत प्यारा था। उसके बाद मैंने अपने लिए
ये टॉवल लिया था, इसका कलर बहुत प्यारा था, बस साइज़ का इशू है जो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कलर इसका बहुत प्यारा है और क्वालिटी भी इसकी बहुत प्यारी है, मतलब बहुत अच्छी है। उसके बाद एक बेडशीट ली थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, रेड मैरून सा, और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। उसके बाद आप ही ने अपने लिए स्टाइलो से ये पर्स लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है और जो इसका ब्लैक के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है। और काफ़ी स्पेशियस भी ये है, क्योंकि चीज़ें रखनी पड़ती हैं एज अ टीचर, जो चीज़ें होती हैं, और कभी ज़हरा भी अगर उनके साथ जाए तो उसकी भी चीज़ें बीच में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद हमजा के लिए एक विंटर का ड्रेस लिया था, ये ट्राउजर्स और इसके साथ एक हुडी थी, और उसके बाद उसके लिए सॉक्स वगैरह और मेरे लिए सॉक्स के पेयर्स। उसके बाद लास्ट पे ये कोट लिया था मैंने, जो मैंने पिछली वीडियो में वियर भी किया हुआ था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।